Yes. So very good morning to all of you once again. Now we will start the actual pharmaceutical analysis. So basically, pharmaceutical analysis ये जो नाम है pharmaceutical drug analysis, तो ये नाम के ऊपर ही सब कुछ बेस है। तो नाम देखना क्या है, pharmaceutical drug analysis। drug analysis मतलब क्या, drug की analysis करना, drug की study करना, पूरे ड्रग की स्टडी करना कि वो ड्रग कितना प्योर है, वो ड्रग वही सेम ड्रग है या नहीं है, उसमें कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, या फिर ऐसे वैसे बहुत सारे ड्रग्स मतलब ड्रग्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है, वो सब प्रॉपर्टीज हम लोग ये ड्रग एनालिसिस में क्या करते हैं, देखते हैं। राइट, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग ड्रग एनालिसिस में देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, हम लोगों को क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है। राइट, सो बेसिकली हम लोगों ने तो ये चैप्टर अभी देख लिया, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स प्योरिटी एंड मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग वही तो देख रहे हैं, इम्प्योरिटी एंड प्योरिटी, ये देखो लिमिट टेस्ट इसके अंदर भी दिया गया है सब कुछ, है ना। ये देखो ये लिमिट टेस्ट यहाँ पे भी दिया गया है, तो यहाँ से भी तुम लोग लिमिट टेस्ट का थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है, सो ये हुआ तुम्हारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस। किधर गया एसिड बेस टाइट्रेशन, किधर गया। ओके, 95 पे ये चैप्टर है एक्वियस टाइट्रेशंस करके, इसके अंदर ही उन्होंने यहाँ पे वो थ्योरी ऑफ एसिडिमेट्री एंड वो सब दिया है, तो अभी हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या। सो पेज नंबर 95। ओके, उस हिसाब से मुझे और 15 पेजेस डालने पड़ेंगे, 15 20 105 फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस ये भी नहीं हुआ। दिस पेज इज इंटेंशनली ब्लैक ब्लैंक। ओके, सब लोगों को पीडीएफ विजिबल है, सब लोगों को पीडीएफ विजिबल है। यस सर, पक्का? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। यस, ओके, ग्रेट। झाल है सारू।
ओके चलो सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एक्वियस टाइट्रेशन जो है, टाइट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी चीज को हम लोग अगर कंपेयर करना चाहते हैं या फिर हम लोग उसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर हम कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये सब चीजों को हम लोग स्टडी करने के लिए एनालिसिस नाम की टर्म यूज करते हैं एंड इवन टाइट्रेशन भी उसी के लिए ही यूज करते हैं। सो अगर हम लोग स्पेसिफिकली टाइट्रेशन का यूज देखें, टाइट्रेशन यूज इन मेडिसिन है ना, तो टाइट्रेशन यूज इन मेडिसिन क्या है, टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मेडिकेशन डोज दैट रिड्यूसेस यूअर सिम्टम्स टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री व्हाइल अवॉइडिंग एज मेनी ऑफ साइड इफेक्ट पॉसिबल, है ना। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। और एक देखते हैं टाइट्रेशन इन फार्मेसी, ये भी देखते हैं हम लोग इसका भी मीनिंग क्या है। सो ड्रग टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द डोज ऑफ अ मेडिकेशन फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट विदाउट एडवर्स इफेक्ट। When a drug has a narrow therapeutic index, titration is especially important because the range between the dose at which a drug is effective and the dose at which the side effect occurs small. Okay, तो होता क्या है, titration basically हम लोग pharmacy में क्यों करते हैं, तो एक चीज याद रखना, अगर मैं तुम लोगों को कोई भी दवाई दे रहा हूं, तो obviously वो दवाई का कॉन्सेंट्रेशन या फिर वो दवाई की क्वांटिटी इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए, कि वो दवाई लेने के बाद आपके बॉडी के ऊपर कुछ भी अफेक्ट ना हो या फिर कुछ भी इफेक्ट ना मिले। आपको बुखार था, बुखार के लिए मैंने पैरासिटामोल का ड्रग दे दिया, लेकिन एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में दे दिया। वो अगर वो माइन्यूट क्वांटिटी में दे रहा है तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपको सफिशियंट नहीं है, वो आपका जो फीवर है वो फीवर रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, MEC, है ना। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, की एटलीस्ट इतना तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर उसका पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन या फिर जो भी एक्शन है उसका वो परफॉर्म होना चाहिए करके, राइट। ओके एंड द सेकेंड वन इज की मैं आपको इतना हाई डोज भी नहीं दे सकता कि उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाए या फिर आप परमानेंटली आप फिजिकली डैमेज हो जाए, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेफ डोज, है ना, मैक्सिमम सेफ्टी डोज, है ना, MSE उसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम सेफ्टी डोज मतलब क्या है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वांटिटी दे सकते हैं कि वो क्वांटिटी तक हमारी बॉडी आराम के साथ उसको टॉलरेट कर सकती है, राइट। तो ये दोनों की दोनों चीजें हम लोग टाइट्रेशन के हिसाब से क्या करते हैं, ढूंढते हैं, है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन के हिसाब से हम लोग ढूंढते हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि सम एग्जांपल्स ऑफ द टाइप ऑफ ड्रग कॉमनली रिक्वायर्ड टाइट्रेशन इंक्लूड इंसुलिन, देन उसके बाद में एंटी कन्वल्जेंट्स, देन ब्लड थिनर्स, एंटी डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव्स। तो ये जो सब ड्रग्स है, ये जो सब, अभी इंसुलिन किसके लिए देते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर की जितनी भी ग्लूकोज लेवल होती है वो ग्लूकोज को कम करने के लिए हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। एंटी कन्वल्जेंस मतलब क्या, जिन लोगों को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी मतलब हम लोग मराठी में उसको आकड़ी आने बोलते हैं ना, आकड़ी आली दला आकड़ी आली, और या फिर उसको एकदम बहुत जोर के ट्रिमर्स आने लगते हैं, सीजर्स हम लोग बोलते हैं, एपिलेप्टिक शॉक, सीजर्स, ट्रिमर्स, जो भी वर्ड है ना वो वर्ड तुम लोग यूज कर सकते हो। तो वो एंटी कन्वल्जेंट्स जो होते हैं ना, या फिर सामने वाला बंदा क्या बोलते हैं ना, ओवरडोज है तो उसको समझ में नहीं आता, तो ये सब चीजें ये एंटी कन्वल्जेंट्स होते हैं जिसमें तुम्हारे कन्वल्जन कम किए जाते हैं। तुम लोगों को है ना ऐसे लगता ना कि यहाँ पे कोई कोई खड़ा है, लेकिन वहां पे एक्चुअली कोई भी खड़ा नहीं रहता, तो आप लोगों को ऐसे लगता है, आपको लगने लगता है कि मेरे आजू बाजू में 10-12-15 लोग खड़े हैं, वो मुझे मारने आ रहे हैं। तो ये जो कुछ तो एक्स्ट्रा थिंकिंग वाली जो फीलिंग होती है ना, तो वो सब तुम्हारे एंटी कन्वर्जेंस में आती है। तो नाउ इट इज क्लियर, प्लीज चेक करना मेरा साउंड सब क्लियर आ रहा है कि नहीं, पक्का साउंड इज क्लियर और नॉट, यस ओके चलो। हाँ सो ये होते हैं तुम्हारे एंटी कन्वल्जेंट, तो ये एंटी कन्वल्जेंट होते हैं ना, तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्की ड्रग होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं।
तुम्हारे ब्रेन के ऊपर काम करते। तो ऑब्वियसली जो ड्रग तुम्हारे सीधा ब्रेन के ऊपर काम करने वाले है तो उनकी सेफ्टी या फिर उनका मैक्सिमम सेफ्टी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीजें हम लोग टाइट्रेशन से देखते हैं। ब्लड थिनर, अगर किसी का ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया हो तो उसको थिन करने के लिए हम लोग ब्लड थिनर देते, राइट। देन उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट है ना, वो भी तुम लोगों को बताया कि डिप्रेशन की यहाँ डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। देन उसके बाद में सीडेटिव, सीडेटिव मतलब जो ऐसी दवाई है जिसको खाने के बाद हम लोगों को नींद आती है। तो नींद की दवा भी तुम लोगों को पता है कि अगर एक ही टैबलेट दे रहे तो एक टैबलेट से 10 घंटे 15 घंटे की नींद लगती है। तो सोचो तुम लोगों ने 3 टैबलेट खा ली तो तुम लोग सीधा ऊपर सीधा छू, है ना। तो ये चीजें होती है कि तुम लोगों को मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ओके, सो ये चीजें हम लोगों को पता चलती है हमारे टाइट्रेशन के हिसाब से, राइट। अभी तुम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना कि ये कैसे पता चलती है, क्या चलती है, क्योंकि ये अभी जस्ट तुम लोग बेसिक डेफिनेशन इसकी समझ लो कि हम लोग टाइट्रेशन यूज किसके लिए करते हैं। जब हम लोग आगे आगे जाएंगे, जब एक्चुअल तुम लोग ड्रग के कॉन्टेक्ट में आओगे, मतलब ड्रग तुम लोग जैसे जैसे पढ़ना चालू करोगे ना, तब तुम लोगों को समझेगा कि एक्चुअली ये होता कैसे है। ये सब आगे आने वाला है तुम लोगों को, राइट। ओके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नाम का, एनालिसिस 2-3 नाम का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें डेफिनेटली वो चीजें आने वाली है। ऑलराइट, ओके, सो ये हुआ तुम्हारा टाइट्रेशन। तो अभी टाइट्रेशन में बहुत सारे टाइप के टाइट्रेशन आते हैं, है ना। टाइट्रेशन में बहुत सारे टाइप के टाइट्रेशन आते हैं, उसमें से है हमारा एक्वियस टाइट्रेशन, उसमें से है हमारा एक्वियस टाइट्रेशन, AQU, है ना, AQUOUS टाइट्रेशन, एक्वियस टाइट्रेशन। तो एक्वियस टाइट्रेशन ऐसे टाइट्रेशन होते हैं जिसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, वेट अ सेकेंड, एक्वियस टाइट्रेशन मतलब ऐसे टाइट्रेशन जिसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, सॉल्वेंट मतलब सबको पता है कि वो एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं, राइट। जिसके अंदर हम हमारा सॉल्यूट क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो हमारा है वाटर, राइट। तो NaCl इज अ सॉल्यूशन इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। तो अगर एक्वियस सॉल्यूशन का उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमारा सॉल्ट नॉर्मल कॉमन सॉल्ट है NaCl, तो हम लोग NaCl किसमें डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसके वजह से हम लोग उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें एक्वियस सॉल्यूशन, जो टाइट्रेशंस में एक्वियस सॉल्यूशंस यूज होता है उसको हम लोग एक्वियस टाइट्रेशंस बोलते हैं, राइट। देन सेकंड वन इज योर नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। सो इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर नहीं होता। हम लोग नॉन एक्वियस में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते। हम लोग नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, राइट। देन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन एक्वियस सॉल्यूशन आर सॉल्यूशंस यूज इन ड्राई क्लीनिंग, है ना। तो ड्राई क्लीनिंग में हम लोग जितने भी सॉल्यूशंस यूज करते हैं तो वो नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ इथीन, सॉल्यूशन ऑफ इथीन इन अ सॉल्वेंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट है, राइट। डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पे सॉल्वेंट है और हमारा सॉल्यूट है इथीन। कौन है, इथीन। तो इथीन को हम लोगों ने डाइक्लोरोमीथेन के अंदर डिसॉल्व किया है या फिर सॉल्युबलाइज किया है, राइट। सो जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल एज अ सॉल्वेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन अगर तुम लोग टाइट्रेशंस में यूज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। ओके, फाइन। तो अभी देखना क्या है, एक्वियस एंड नॉन एक्वियस के बारे में सब लोगों को पता चला कि एक्वियस होता क्या है और नॉन एक्वियस क्या होता है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. चलो, so आगे देखते हैं क्या है। So आगे देखना, introduction.
तो अभी इंट्रोडक्शन किसका देखेंगे, हम लोग एक्वियस टाइट्रेशन का देखेंगे और इसके अंदर ही हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आने वाला है, राइट। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ने कल बोला था एसिड बेस लेंगे, अभी ले रहे एक्वियस टाइट्रेशन, तो ऐसे नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, सो देखना क्या है, इंट्रोडक्शन में पहले दिया है अरेनियस, अरेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, इसके बारे में तुम लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है। अरेनियस ने क्या क्या किया था बताओ जरा मुझे, अरेनियस ने क्या क्या किया था, अरेनियस किसके लिए फेमस था बताओ। अरेनियस इक्वेशंस, अरेनियस, अरेनियस इक्वेशन क्या था, अरेनियस इक्वेशन क्या था, बोलो जल्दी मुझे, किसी को याद है अरेनियस इक्वेशन, चलो बताओ जल्दी। हाँ, ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा, और कोई अपना आंसर शेयर करना चाहेगा, बोलो। चलो देखते फिर अरेनियस इक्वेशन क्या है और क्या नहीं है, तो हम लोग उसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अरेनियस ने क्या किया था, अरेनियस ने एक डेफिनेशन दी एसिड की, व्हाट इज मीन बाय एसिड, इसकी एक डेफिनेशन दी। तो अरेनियस डेफिनेशन भी है हम लोगों को एसिड की, तो उसने क्या कहा, अ सब्सटेंस विच इज हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वियस मीडियम, मतलब जब हम लोग हमारे एसिड को पानी के साथ मिलाते हैं तब जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होंगे, HCl से या फिर एसिड से, है ना, एसिड ही प्रोटॉन को डोनेट करेगा, या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड जो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन्स रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बोलेंगे, ओके। एंड बेस का मतलब क्या, कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन्स रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस। दोनों डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। पक्का रिपीट करना है मुझे तो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, रिपीट करना है, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, वन सेकेंड, हाँ। तो देखो सपोज ये मेरा बीकर है, राइट, तो ये बीकर में मैंने पहले वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, तो ये वाटर है मेरा, ऑलराइट, ओके, ये वाटर कंसिडर कर लो, ठीक है, इसमें पानी भरा है मैंने, और देन उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने अभी क्या डाला, HCl डाला, क्या डाला, HCl, है ना, HCl, तो जब ये HCl पानी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे वो H प्लस आयन्स बनाएगा, राइट, एंड Cl माइनस आयन्स भी बनाएगा, लेकिन Cl माइनस आयन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन्स थोड़े वीक होते हैं, राइट, थोड़े वीक होते हैं, तो फिर मैक्सिमम यहाँ पे कौन आएगा, तुम्हारे जो स्ट्रांग होते हैं वो H प्लस आयन्स है, जो स्ट्रांग होते हैं वो H प्लस आयन्स है, राइट, जो स्ट्रांग है वो तुम्हारे H प्लस आयन्स है, तो जो कंपाउंड तुम लोगों के पानी में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन्स रिलीज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, है ना, CH3COOH, सो दिस इज योर एसिटिक एसिड, जब ये पानी के अंदर चला जाएगा तो ये कैसे करेगा, CH3COO- और कौन बनेगा यहाँ पे, प्रोटॉन बनेगा, राइट, हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एसिडिक एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो ये एक CH3COO- ये एक मॉइटी छोड़ता है और हाइड्रोजन आयन छोड़ता है ना, हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, तो ये अगर हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद तो एसिडिक एसिड क्या हुआ, एसिड हुआ, क्या हुआ, उसका नाम ही एसिड है, एसिड क्यों नाम है, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व करने के बाद प्रोटॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, राइट, हेंस वी इट इज कॉल्ड एज
एसिड है ना, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड। एंड सेम सेम ऐसे होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड पानी में डिजोल्व होने के बाद OH- माइनस आयंस रिलीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। एग्जांपल यूअर NaOH, एग्जांपल इज यूअर NaOH। देखना NaOH का देखना कैसे आएगा, NaOH। तो जब हम पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, Na प्लस बनाएगा एंड दूसरा कौन सा बनाएगा, OH माइनस। तो ये OH माइनस रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग NaOH को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। राइट, NaOH को क्या बोलते हैं, बेस। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच इज गिवन बाय यूअर अरेनियस। अरेनियस साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, ये दोनों के दोनों डेफिनेशंस दिए। नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज मीन बाय एसिड एंड व्हाट इज मीन बाय बेस। यस सर। पक्का? यस सर। ओके चलो, सो आगे देखते क्या दिया है। सो हाउएवर दिस डेफिनेशन हैव टू सीरियस शॉर्टकमिंग्स। तो ये डेफिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस थे। तो उन्होंने क्या बोला, दे लैक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वियस मीडिया। तो अभी तो मैंने बोला कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस रिलीज करेंगे, किसमें डिजोल्व होने के बाद, पानी में। लेकिन अगर यही कंपाउंड मैंने नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर दिए, मतलब कोई भी मैंने दूसरा कंपाउंड ले लिया या फिर कोई भी मैंने दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि मैंने पेट्रोलियम ईथर ले लिया या फिर डाइक्लोरोमीथेन ले लिया या फिर और कोई भी चीज हेक्सेन ले लिया, तो ऐसे जो बाकी के जो सॉल्वेंट्स है वो सॉल्वेंट्स के अगर, मतलब वो सॉल्वेंट्स के अंदर अगर मैंने मेरे NaOH को डिजोल्व किया तो वहां पे NaOH निकलेगा क्या कि नहीं निकलेगा, ये एक्सप्लेनेशन ये अरेनियस के थियोरी ने दिया नहीं, है ना। अरेनियस यहाँ पे फेल हो गया कि इतना, अरेनियस ने इतना तो बताया कि पानी में डिजोल्व होने के बाद ये रिलीज करेंगे, लेकिन अगर पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, है ना, मतलब एज अ सॉल्वेंट हम लोग पानी यूज नहीं कर रहे, एज अ सॉल्वेंट हम लोग दूसरी चीज यूज कर रहे, दूसरा कोई भी सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे, जैसे कि हेक्सेन हो गया, एन ऑक्टेन हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, अगर ये चीजें, ये सब इनमें से कोई भी एक चीज में एज अ सॉल्वेंट यूज करता हो और उसके अंदर में अगर NaOH को डिजोल्व करता हूं, तब हमारा NaOH सेपरेट होगा क्या, तब हम लोगों को H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस मिलेंगे क्या। तो ये एक्सप्लेनेशन अरेनियस के थ्योरी में नहीं मिला, ये एक्सप्लेनेशन अरेनियस के थ्योरी में नहीं मिला, राइट। तो यहां पे कुछ ना कुछ तो अभी हम लोग किसको बोलेंगे एसिड और बेस, तो अभी हम लोग एसिड और बेस किसको बोलेंगे, तो ये खामी या फिर ये जो कमी थी ये हम लोगों को भर के निकालनी है। और दूसरा और एक पॉइंट वहां पे अरेनियस ने मिस किया, वो पॉइंट था एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन आयन, अ रिलेटिव सिंपल पार्टिकल। ओके, सो वेयर एज बेसिसिटी इज एसोसिएटेड विद द हाइड्रोक्सिल आयन, अ रिलेटिव कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ओके, तो ये ऐसे बोल रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन एसिडिक है और हाइड्रोक्सिल आयन बेसिक है तो इनकी सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिविटी के ऊपर भी डिफरेंस या फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, अभी मुझे बताना हाइड्रोजन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर OH ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको कौन सा मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स लग रहा है देख के, कौन सा मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स लग रहा है ज्यादा देख के, OH है ना, राइट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर इतना सिंपल हो कि इसको हम लोग एसिड बोल रहे हैं और इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि हम लोग बेस बोल रहे हैं, तो ये जो थ्योरी उसने दी थी कि सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गई, है ना। तो पहला वाला पॉइंट वो पार्शली करेक्ट है एंड सेकेंड वाला पॉइंट पूरा का पूरा गलत है कि सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हम लोग एसिड एंड बेस डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। तो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेट नाम का एक साइंटिस्ट फिर आगे आया, है ना, इट इज लाइक अ मसीहा। तो इसने क्या किया, अरेनियस की जो इक्वेशन थे या फिर अरेनियस के जो भी प्रपोजल थे उनमें, मतलब उनको पकड़ के उनके ऊपर फिर से उसने स्टडी की एंड एट द एंड उसने उसके खुद के स्टेटमेंट्स क्या किए, रिलीज किए। तो इसने क्या बोला, जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर होने के बाद ब्रॉन्स्टेड
ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया और लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साइंटिस्ट है. एक एक सेकेंड. हेलो, नाउ इट इज क्लियर, एक बार चेक करना. यस सर. यस सर. ओके. हाँ ओके. हाँ गणेश, अब एक बार चेक करना साउंड आपको करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने, मतलब वर्ल्ड वॉर होने के बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, तो इन दोनों ने एक साथ आके काम किया और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल एंड सैटिस्फैक्ट्री थ्योरी उन्होंने प्रपोज की कि एसिड एंड बेस होता क्या है. राइट, एसिड एंड बेस होता क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी वो लोग क्या बोल रहे हैं, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which is capable of yielding a proton, है ना, proton को वो yield कर सकता है या फिर वो बना सकता है ना, बना सकता है hydrogen ion, while base is a substance which is capable of accepting the proton, या फिर हम लोग simple language में ऐसे बोल सकते हैं, acid हम लोग उसको बोलते हैं जो proton को donate करता है और base हम लोग उसको बोलते हैं जो proton को accept करता है. right, क्या बोला उन्होंने कि एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. राइट, तो ये बेस मतलब ये बेसिक थ्योरी इन्होंने यहाँ पे दी. राइट ओके. सो द कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एन एसिड एंड बेस दैट मे एक्सप्रेस इन जनरलाइज फैशन. तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक इक्वेशन दिया है. तो ऑब्वियसली अगर एसिड है तो एसिड के अंदर एक क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा और एक प्रोटॉन बनेगा. राइट, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं. ठीक है रुको, ये देखो. ठीक है, तो हाँ ये देखना, पहले ये वाला क्या था, HNO3. ये क्या था, HNO3. ओके ओके. तो HNO3 जब डिसोसिएट होगा कोई भी सॉल्वेंट में तो ये ऐसे करेगा. राइट, एक प्रोटॉन बनाएगा और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा. क्या बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा और जो नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस है ना. और थोड़ा समय अगर इसको एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूं तो देखना कैसे होता है, CH3COOH. राइट, सो इट इज डिसोसिएट इनटू CH3COO- प्रोटॉन. राइट, तो अभी इसमें से बताना मुझे कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, बताना मुझे इसमें से कॉन्जुगेट बेस कौन सा है. ये मॉइटी में से कॉन्जुगेट CH3CO- CH3CO-, yes, absolutely correct. तो इसमें से तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस हो गया CH3COO-, so this is your conjugate base, है ना, this is your conjugate base. तो इसको ही हम लोग बोलते हैं लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थियरी. तो उन्होंने हर एक का एग्जाम्पल वहां पे दिया है, HNO3, HCl, CH3OH, then अमोनियम का भी उन्होंने यहाँ पे दिया है. तो अमोनिया जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे तो वो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस हो गया. देन उसके बाद में फॉस्फोरस एसिड है या फिर फॉस्फोरिक एसिड, आई डोंट नो, वो एक है. देन उसके बाद में ये कुछ तो H3O+ है, बाइकार्बोनेट का यहाँ पे दिया है उन्होंने. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है जहां पे उन्होंने बताया कि जब तक जितना भी प्रोटॉन्स तैयार मतलब यहाँ पे बन रहा है तो उन प्रोटॉन के साथ उनके अलग अलग कॉन्जुगेट बेसिस भी बन रहे हैं. राइट ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्जुगेट बेसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्जुगेट बेसिस. तो कॉन्जुगेट बेसिस की पूरी कंसेप्ट क्लियर है सब लोगों को, किसी को कुछ डाउट कॉन्जुगेट बेस में मुझे रिपीट करना है. नो सर. पक्का, बाकी के लोग देख लेना एक बार क्या है.
क्लियर ओके चलो स्वराली को वैष्णवी को क्लियर हो गया ओके ओके फाइन ग्रेट चलो सो आगे देखते हैं हम लोग क्या है तो